खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने गांव के ही एक अधिवक्ता पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए बताया कि अधिवक्ता होने का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। कई फर्जी तरीके से कागजात तैयार कर 5 गांव के लोगों का रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। दरअसल मामला सिरमौर तहसील के मदरी गाँव का है। जमीन मध्य प्रदेश शासन होने के बावजूद मदरी, वॉन्स, भटवा, पताई, भलुहाई के ग्रामीणों का आवागमन बंद हो चुका है। बताया जाता है कि उक्त मार्ग में बसंत प्रताप सिंह निवासी पूर्वा द्वारा अतिक्रमण कर मकान निर्मित कर लिया गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया है कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन सिरमौर न्यायालय द्वारा वेदखली के आदेश के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिससे गांव के ग्रामीणों और जानवरों का आना जाना पूरी तरह से बंद है। परेशान ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। आइए आपको सुनाते हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे स्थानीय लोगों ने क्या मांग की है। मेरा नाम प्रकाश नारायण तिवारी है। कलेक्ट्रेट कार्यालय क्या समस्या लेकर आए हैं? कलेक्ट्रेट कार्यालय हम लोग आए हैं 15-20 की तादाद में ग्राम पंचायत मदरी से, जो कि आम रास्ता है, पहाड़ जंगल जानिए कि मवेशियों की एकमात्र रास्ता है, आराजी नंबर 5, जो कलेक्टर के आदेशा अनुसार 19/12/2004 में मकान गिरा दिया गया था। बसंत सिंह पेशे से वकील हैं, वो घर अवैध रूप से आम रास्ते में बना लिए थे, जो घर गिरा गया था। अब उसी स्थान में लॉकडाउन की वजह से कोविड के पीरियड में उन्होंने बहुमंजिला मकान वहां पर निर्माण कर लिए हैं। हम लोगों की आने जाने की रास्ता पूर्ण रूप में बाधित है। कई स्थान पर हम लोगों ने शिकायत किया, लेकिन शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम लोग थक करके कलेक्टर साहब के पास आए हैं, 2-4 बार वो आ चुके हैं, हर जगह से उनका मुकदमा हारे हुए हैं, मुकदमा कहीं पर चल नहीं रहा है। सरहंगी बस वो हम लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास आए हैं। कितने लोग पीड़ित हैं? हम पूरे गांव 4-5 गांव के लोग पीड़ित हैं उस रास्ते। हाँ, उस रास्ते से जंगल जाने की मवेशियों की एकमात्र रास्ता है, मध्य प्रदेश शासन की रास्ता है, जो कि पूर्ण रूप में बाधित है। एक बार गिरा दी गई थी, फिर से वहीं पर बना लिए। और ये ग्राम पंचायत मदरी का है, थाना गढ़ है, जिला रीवा है। इसके पहले भी आप लोग शिकायत दिए? हाँ, इसके पहले भी हम कई बार कलेक्टर के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ शिकायत कर चुके हैं, न्यूज़ में भी दे दिए हैं, लेकिन उसमें अभी कार्रवाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुई है। मेरा नाम प्रकाश नारायण तिवारी है। बेदखली का उसमें आदेश भी हो चुका है, लेकिन वो जो है कुछ नहीं, बेदखल नहीं किया जा रहा है। अब हम लोग आमरण अनशन में बैठने के लिए, चकाजाम करने के लिए बाध्य हैं, अगर मजबूर हैं, अगर नहीं सुना गया इसके बावजूद भी, तो अगले एक हफ्ते के अंदर हम लोग वहाँ पर चकाजाम और आमरण आसन करने मिलिए। तहसीलदार की फर्जी दस्तखत करा करके उन्होंने नामांतरण कर लिया था, जिसकी उन्होंने तहसीलदार मुनेन तिवारी गवाह दे करके तहसील में उसको फर्जी ठहरा दिए हैं, जो कि फाइल लगी हुई है वहाँ पर। कलेक्टर साहब से हम उसको तो दिखवा सकते हैं, हमारे लोगों के पास है भी सर्टिफाइड कॉपी, लेकिन हम लोग परेशान बहुत हैं। अगर नहीं, इतने के बावजूद नहीं हुआ, तो अब हम लोग आमरण अनशन और चकाजाम करने के लिए बाधित हैं।